40 रैंक आया है बीपीएससी में, 637 बीपीएससी में, 21 में पिछले बार बीपीएससी में तो बीटी पास नहीं कर पाया था, ये दूसरा प्रयास था, इसमें मैंने अच्छा रैंक प्राप्त किया। पहुंचने के लिए आप किस तरह का कठिनाई का सामना करना पड़ा, कितने देर पढ़ाई करते थे? कठिनाई का सामना तो अब क्योंकि बीटेक करने के बाद मैंने जॉब नहीं लिया, तो अगल बगल सारे कुछ लोग बोलते ही थे कि मतलब बीटेक करने के बाद आपने जॉब नहीं लिया, आर्थिक स्थिति सही नहीं है घर की आपकी, तो अपने आप से कुछ ना कुछ जॉब कर लेना चाहिए था, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं मन था कि सिविल सेवा में जाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा योगदान दूँ सिविल सेवा में, इसलिए मैंने उसमें प्रयत्न किया। और इसमें अपने आप में हुनर है और इन्होंने अपने कर्म पर परिश्रम पर ही यह पद हासिल किया है। हम पिता होने के नाते आर्थिक मदद करते थे, लगे थे, लेकिन इनका निशाना कुछ और था। इस वक्त हम हैं मोतिहारी में और सिमरा बंजरिया प्रखंड के सिमरा पंचायत के मनिंदर प्रसाद वर्मा जी का पोते साकेत राज जो बीपीएससी 67 में 440 रैंक लाकर अपने प्रखंड सहित जिले के नाम रोशन कर रहे हैं, और इनके पिताजी हैं संजय कुमार वर्मा उर्फ सरोज जी, और आज हमारे साथ साकेत जी हैं और इनसे जानते हैं बीपीएससी में किस तरह की तैयारी करके और क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। जी बताइए, पहुंचने में आपके क्या भूमिका, कितना रैंक लाकर? इस मेरा रैंक 440 रैंक आया है बीपीएससी में, 637 बीपीएससी में, 19 में बीटेक पास किया नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, उसके बाद से फिर हमने एमबीए किया दिल्ली से, 21 में पास, फिर वहां से सिविल सेवा के मैंने फॉर्म भरा, तैयारी किया वहां से, फिर 21 में पिछले बार बीपीएससी में तो बीटी पास नहीं कर पाया था, ये दूसरा प्रयास था, इसमें मैंने अच्छा रैंक प्राप्त किया। और इसमें योगदान मेरे माता पिता का योगदान है, बाकी सारे घर के बड़ों का आशीर्वाद रहता है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आप किस तरह का कठिनाई का सामना करना पड़ा, कितने देर पढ़ाई करते थे? कठिनाई का सामना तो अब क्योंकि बीटेक करने के बाद मैंने जॉब नहीं लिया, तो अगल बगल सारे कुछ लोग बोलते ही थे कि मतलब बीटेक करने के बाद आपने जॉब नहीं लिया, आर्थिक स्थिति सही नहीं है घर की आपकी, तो अपने आप से कुछ ना कुछ जॉब कर लेना चाहिए था, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं मन था कि सिविल सेवा में जाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा योगदान दूँ सिविल सेवा में, इसलिए मैंने उसमें प्रयत्न किया और इसमें रैंक हासिल किया। और पढ़ाई का सवाल है तो निरंतर आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें मैंने पढ़ाई किया था जिसमें सेल्फ एजुकेट था मेरा, कोचिंग नहीं किया मैंने, खुद से पढ़ा था 8 से 10 घंटा रेगुलर। हाँ, छुट्टियों में कभी नहीं पढ़ पाता था, कभी कभी ये होता, लेकिन रेगुलर कभी ना कभी 8 से 10 घंटा ऑन द एवरेज आप कर सकते हैं, इसमें पढ़ाई मैंने किया था। कहाँ से इसका पढ़ाई आप किए थे? जीएस मैंने खुद से किया था, मैंने सेल्फ स्टडी मैंने किया था, जीएस का प्रीलिम्स के लिए हो गया, मेंस के लिए हो गया, और ऑप्शनल के लिए मैंने ऑन एकेडमी से और ऑनलाइन कोचिंग किया था मैंने, बस बाकी मैंने बाकी खुद से मैंने तैयारी किया हुआ है। आगे आपको क्या फिर इससे भी आगे ऊंचा तक क्या आपका भूमिका रहेगा, बनने के लिए प्रयास करेंगे? अब कोशिश तो और उम्मीद सबकी डीएसपी का डीएम की रहती है, इससे आगे बस आईएएस का और है, यूपीएससी भी दूंगा इसके बाद, और नेक्स्ट रैंक इंप्रूवमेंट के लिए डीएम और डीएसपी पद के लिए मैं अगला बीपीएससी में बैठूंगा। तो इस वक्त इनके पापा जी हैं और इनके पापा से हम विशेष तौर पर जानेंगे इनके लड़के जो कल्याण पदाधिकारी बने हैं, इनके किस तरह की खुशी हो रही है, जी बताइए। हेलो सर, हमारे साकेत राज अपने आप में हुनर हैं और इन्होंने अपने कर्म पर परिश्रम पर ही यह पद हासिल किया है। हम पिता होने के नाते आर्थिक मदद करते थे, लगे थे, लेकिन इनका निशाना कुछ और था। मैं तमाम लोगों को जो भी जिला के प्रखंड के सिमरा पंचायत के वो सभी काफ़ी खुश हैं मेरे व्यवहार से और मेरे बच्चे को व्यवहार से। माता पिता का योगदान तो रहा ही है और इनकी प्रारंभिक शिक्षा मोतिहारी के चेहरा मेरी मेमोरियल स्कूल आगरवा मोतिहारी से हुआ, वहाँ से 10 करने के बाद हमारे साथ दिल्ली में ही, मैं वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ दिल्ली में, और ये इंटरमीडिएट दिल्ली से किए, और वो करने के बाद 1915 में इनका इंटरमीडिएट हुआ दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से, और उसके बाद उसी साल ही इन्होंने BIT निकाल लिए, इनका कॉलेज नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मिला, मैकेनिकल ट्रेड मिला, वहाँ से 19 के अक्टूबर में बीटेक किए नालंदा से मैकेनिकल में, उसके बाद ये दिल्ली से MBA किए, और उसके बाद ये BPSC की तैयारी में लगे हुए थे MBA करने के बाद,
और इनका लक्ष्य था बीपीएससी निकलना, जो इन्होंने दूसरा प्रयास में हासिल कर लिया। मैं पिता होने के नाते काफी आज खुश हूँ। काम तक पहुंचे हैं, इसमें आपका क्या भूमिका रहा, किस तरह का भूमिका आप लोगों का था? मतलब कि इनको हमने आर्थिक पैसा तो लगा हमारा, लेकिन यह खुद अपने आप कर्मयोगी हैं, इन्होंने जो हासिल किया है अपने बलबूता के आधार पर। इसका श्रेय आप लोग किसको देते हैं? साकेत राज को देते हैं, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, मैंने पैसा दिया, खर्च किया, महीना महीने कमा कर देते रहे, लेकिन इन्होंने लगन और परिश्रम के साथ अपना कर्तव्य निभाया है, या खुद अपने आप आगे बढ़ने के कर्म योगी या खुद हैं। मैं बहुत खुश हूँ आत्मा से, या रिजल्ट जो बिहार सरकार ने इनको दिया है, इस रिजल्ट पर मैं बहुत खुश हूँ। आप एक पिता होने के नाते और छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो तैयारी करें? मैं पिता गार्जियन होने के नाते सभी छात्रों को यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी विद्यार्थी मेरे साकेत राज के तरह बने, मेरा हार्दिक शुभकामना है, और मैं हमेशा खुश रहूंगा। कोई भी मेरे जिले का बच्चा अगर किसी आगे पौदान पर जा रहा है, तो मेरे आत्मा में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, जिसका मैं वर्णन अपने चंपारण जिला के धरती पर कर रहा हूँ। साकेत जी के पिताजी और इनका साफ तौर पर सुने किस तरह से बताए, और फिर हम साकेत जी से जानेंगे अन्य छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से तैयारी करें? जो भी अगला बीपीएससी देंगे और दे रहे हैं, उनको बस यही बोलूंगा कि बस, क्योंकि अब ट्रेंड बदल चुका है बीपीएससी का, जो पुराना बीपीएससी था अब वो नया चल रहा है, वो ट्रेंड बदल चुका है बीपीएससी का। तो अब वैसे टेस्ट सीरीज पे फोकस करने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए और बेसिक किताब पर लौटिए वापस, क्योंकि अब वन लाइनर किताब चलेगा नहीं काम। पहले था लूसेंट पढ़ लिए काम चल जाता, वैसा नहीं है, अब पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से, क्योंकि प्रीलिम्स टफ हो चुका है, मेंस और कठिन हो चुका है। इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, स्प्लेंडर हो गया, वो पढ़िए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, और जो स्टैंडर्ड्स जो किताब है, लक्ष्मीकांत हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम हो गए, वो सब डीडी वसु पॉलिटिकल रेफरेंस दे सकते हैं कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए, लेकिन लक्ष्मीकांत मेन है, वो सब कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब ऑनलाइन किताब काम चलेगा नहीं, आपको अब टेक्स्ट बुक फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड बीपीएससी का बदल चुका है, और करंट के लिए आपको न्यूज़पेपर तो मस्ट हो गया आप तो। तो इसलिए बाकी सबको ऑल द बेस्ट, जो बीपीएससी दे रहे हैं। पोस्ट मिला है कल्याण अनुमंडल पदाधिकारी का, आपको क्या कहा? पहले तो बात है कि बीपीएससी में पद ही मिल गया, बड़ी खुशी की बात है, और दूसरी बात ये, कभी अच्छा पोस्ट है ये, कभी वेलफेयर स्कीम के लिए है, गवर्नमेंट का इतना वेलफेयर स्कीम्स आएगा बीसी कास्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, स्कूल्स के लिए, उस सब में काम करने का मौका मिलेगा, अपना योगदान दे सकूंगा इसमें। काफ़ी जो मेरा गोल था कि सेवा, सिविल सेवा में जाऊं, उसके लिए पद काफ़ी लाभदायक है मेरे लिए ये, और उसमें मैं अपना सेवा दे सकूंगा इसमें, अच्छा लग रहा है ये पद मिलकर। तो ये थे साकेत राज जी, और साफ तौर पर इनका कहना है जो बीपीएससी तैयारी करने के लिए इस तरह से करते रहिए।